Hello adventure lovers and welcome to brand new episode of Walks with the Conversion but in Hindi. This is your host Vidushi. अगर आप यहाँ नए हैं तो मोटोम एडवेंचर्स एक 25 साल पुरानी कंपनी है जो कि कैरवान्स और भी बहुत सारे टाइप के व्हीकल्स जैसे इलेक्शन कैंपेन व्हीकल, फूड ट्रक, क्लब ऑन व्हील्स को रेंट और बिल्ड करती है और उन्हीं बिल्ड किए हुए कॉन्सेप्ट्स को हम फीचर करते हैं थ्रू आर डिफरेंट सीरीज जैसे कि रिवील वॉक थ्रू जहाँ पे आप और मैं वॉक करते हैं थ्रू दोज कॉन्सेप्ट्स एंड मैन बिहाइंड द मेकिंग जहाँ पे जो मैन बिहाइंड द मेकिंग है उनके साथ हम चिट चैट करते हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट द स्ट्रगल्स एक्सेट्रा एंड इन अदर सीरीज इज द ऑनेस्ट रिव्यू जो आप जल्दी देखेंगे ऑफ दिस कॉन्सेप्ट. अभी फिलहाल हम हैं इन जिम कॉर्बेट, द एग्जैक्ट लोकेशन इज मर्शला और हम लोग यहाँ कैंप कर रहे हैं. आई हैव माई स्मॉल बॉनफायर, बड़ी वाली बॉनफायर जो वहाँ पे है वो हम वेट कर रहे हैं अपने बाकी टीम मेंबर्स के आने का. यहाँ पे विलो खड़ी है, पीछे हमारा बारबेक्यू चल रहा है अगर आप देखेंगे और आप लोगों का हमेशा हमारे को फीडबैक रहता है दैट वी डू नॉट शूट एनी वीडियो इन हिंदी में वीडियो बनाइए हिंदी. सो एक सेम वॉक थ्रू को हिंदी में डब करना आई डोंट थिंक इज जस्टिफाइड. तो इसीलिए हम आज जो रामलर कॉन्सेप्ट आप देख चुके हैं उसको हिंदी में आपको बताने वाले हैं कि हिंदी में उसका पूरा जो डिस्क्रिप्शन है वो देने वाले हैं. सो दैट इज़ द एसेट, लेट्स वॉक इन. सो दिस इज़ द एसेट रामलर. वी हैव आर टीम मेंबर्स हियर हु आर एंजॉयिंग. आप देखेंगे इसका जो कलर है, आई एम होल्डिंग माई फ़ोन बिकॉज आई थिंक वी विल बी यूजिंग जुगाड़ थ्रू माइक. सो द कलर इट्स गन मेटल ग्रे ब्लैक के साथ और पाउडर कोटेड. इसकी जितनी भी एमिनिटीज़ है वो सारी पाउडर कोटेड है. सबसे पहले आइए वील मूव टू द कैबिन. इट्स डार्क बट आई एम गोइंग टू इंसर्ट एक ओवरलेस के ऊपर बिकॉज अभी अंदर सब मेस आउट है. सो वी हैव अ कैबिन जिसके अंदर है लाइट्स, आपका म्यूजिक सिस्टम फॉर ड्राइवर, इंटरकॉम. कैबिन में ऊपर की तरफ जो है आपका एसी का यूनिट है एंड अंदर हमारे पास यहाँ पे जो बैटरीज हैं वो स्टोर्ड है. दीज आर बेसिकली योर, दिस इज़ योर कटआउट. इसको ओपन किए बिना आपका जो इंजन है वो टर्न ऑन नहीं होने वाला है. एंड देन हियर वी हैव सर्टेन अदर एमसीज एटसेट्रा. नाउ मूविंग टू द अदर साइड, फ्रंट जो है इसमें आप नीचे देखेंगे जो फेशिया है वो कस्टमाइज हो रखा है इसका. सो दैट इज़ द रीज़न कि ये एक ऑर्डिनरी टेम्पो ट्रैवलर की तरह नहीं दिखता है. एंड देन कमिंग टू द अदर साइड, ये है हमारा ड्राइवर साइड. विंडोज़ आप देखेंगे, दीज आर कम्प्लीटली कंसील्ड. तो कंसील होने की वजह से ये एक क्लीन लुक देता है. ऊपर की तरफ आप देखेंगे वी हैव 4 सिक्योरिटी कैमराज, सारे साइड्स पे हमारे सिक्योरिटी कैमराज है. देन मूविंग ऑन, दिस इज़ योर फ्यूल टैंक. ये जो है हमारा एक छोटा सा आउटडोर शार एरिया है, जैसे कि अगर कभी आपके स्टाफ मेंबर्स हैं उनको शार लेना है तो वो एक टेंट लगा सकते हैं, यहाँ पे शार ले सकते हैं. या फिर आप कभी कैंप के अंदर जाना चाह रहे हैं बट आप जहाँ से आए हैं वहाँ बहुत मिट्टी थी, मडी था, तो यू कैन जस्ट ओपन इट और आप इसको शावर को जो है यूज़ कर सकते हैं. देन मूविंग टू द नेक्स्ट, दिस इज़ योर इमरजेंसी डोर. ये फ़िलहाल हमने कंसील कर रखा है. दिस इज़ आर टैंक जो हमारा फ्रेश वाटर टैंक है. 250 लीटर्स का ये टैंक है बेसिकली. इसके अंदर आप फ्रेश वाटर भरेंगे. यू कैन यूज़ इट इन योर बाथरूम एरिया, इन योर किचन एरिया एज वेल एज इन योर आउटडोर शावर एरिया. नाउ मूविंग टू द रेयर, खुलते ही द फर्स्ट थिंग दैट वी सी हियर इज़ आर LPG जो हमें गर्म पानी देता है. ये अभी हमने जो आउटपुट खोला हुआ है ये आपका बाथरूम का जो फंक्शन है वो पूरा फंक्शन आप यहाँ से प्रोसेस करते हैं. अगर कुछ भी गड़बड़ होती है बाथरूम में, कुछ माल फंक्शन करता है, देन दिस इज़ वेयर यू कैन रेक्टिफाई द इशू एट. अगला जो हमारा डोर है, यस, सो हियर ये एक तो हमारे पास यहाँ पे एडिशनल स्टोरेज है जहाँ पे हम जो भी चीज़ें हैं, जो भी एमिनिटीज़ हमें यूज़ में आएंगी, जैसे ये जो रॉड्स हैं अभी जब हम किचन यूज़ करेंगे यू विल जस्ट सी कि ये सारी जो रॉड्स हैं ये किचन को पुट अप करने में हेल्प करती है हमें. देन दिस इज़ आर जेनसेट, लॉक्ड है फिलहाल बोल्ट्स के थ्रू. कैमरा थोड़ा अगर पास ला के देखेंगे, ये बोल्ट्स जो है और यहाँ पे जो लॉक लगा हुआ है हमारा, दिस बेसिकली लॉक्स इट इन कि अगर कभी डोर खुला भी हुआ है तो हमें ये स्लाइड होने के वरी करने की नीड नहीं है. दिस इज़ एन EU30 IS साइलेंट पेट्रोल जेनसेट जिससे आपकी गाड़ी जब स्टेशन है, जब आपके पास कुछ भी नहीं है और आप अपना पेट्रोल जो गाड़ी का पेट्रोल है वो नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं एट दैट टाइम, टर्न इट ऑन.
आपकी पूरी गाड़ी जो है इट्स गोइंग टू वर्क फाइन, और इसको अगर आप बाहर निकाल देते हैं तो आपकी गाड़ी के अंदर का जो नॉइज़ है दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी लेस। और सिमिलरली अगर आपको जेनसेट नहीं चाहिए, किसी ऐसी लोकेशन पे है जहाँ पे आपके पास बिजली का कनेक्शन अवेलेबल है, वहाँ आप सिंपली जो कनेक्शन है उसको कनेक्ट करते हैं एंड यू आर गुड टू मूव इन योर कैंपर एट एनी लोकेशन। ये हमारा स्टोरेज है, और ये जो गैस लाइन आ रही है, अगेन एज आई मेंशन LPG में भी आपका जो किचन है जो कि नीचे की तरफ है वहाँ पे आपको ये हेल्प करेगा। मूविंग ऑन दिस राइट हेयर इस जहाँ पे आप अपना जो गैस का कनेक्शन है और जो आपका पानी का कनेक्शन है उसको कनेक्ट करते हैं। ये है हमारा किचन। आई हैव टू आस्क फॉर द की जस्ट अ सेक, सो रुकावट के लिए खेद है, बट हेयर वी हैव आवर किचन जिसको हम ओपन करते हैं, स्लाइड आउट करते हैं। सो दिस इज़ योर फर्स्ट डेक, ये है आपका सेकेंड डेक। ये यूजुअली दिस इज़ द स्पेस जहाँ पे आप अपने दो ब्लास्ट प्रूफ सिलेंडर 5 लीटर सिलेंडर को स्टोर कर सकते हैं। अभी हमने निकाला हुआ है बिकॉज वी आर बारबेक्यूइंग हियर। ये बेसिकली हमारा सेक्शन है जहाँ पे हम सारी यूटेंसिल्स कटलरीज, अभी क्योंकि ये यूज्ड है ये इतना मैसी लग रहा है, दिस इज़ बेसिकली द एक्सेसरी ऑफ द बर्नर। यहाँ पे हमारे पास बाकी पार्ट्स हैं। ये है बेसिकली हमारा फ्लिप सिंक, इसको फ्लिप करते हैं एंड आई विल इंसर्ट एंड ओवरले कि कैसे इसको फ्लिप करने के बाद हमारे पास जो एक सिंक है उसको हम रखते हैं, और जो रॉड्स हमने अभी पीछे देखी थी उन रॉड्स को हम प्लेस करते हैं, जिसके बाद दिस टर्न्स इनटू योर फुली फंक्शनल किचन एरिया। किचन हो गया हमारा, सॉरी किचन हो गया हमारा पैक, इसको रखेंगे। एंड जस्ट लाइक दैट यू आर गुड टू गो। आप चलते हैं बाकी डिटेल्स की तरफ। ऊपर आप देखेंगे LED स्ट्रिप लाइट्स दे रखी है जिसकी वजह से इतनी लाइट आ रही है यहाँ पे। तो ये स्ट्रिप लाइट्स जो है बेसिकली तब आपके काम आती है अगर आप किसी बिल्कुल आइसोलेटेड लोकेशन पे काम कर रहे हैं जहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है, तो ये लाइट्स ऑन करने से यू आर सेफ फ्रॉम एनिमल्स, दैट इज़ वन। और सेकेंडली अगर आपको लाइट चाहिए अपने कैंप का वाइब सेट करने के लिए, दैट इज़ ऑल्सो देयर। नेक्स्ट एमिनिटी दैट वी हैव इज़ दी ऑनिंग। ऑनिंग का जो काम है, अगर कभी भी आप किचन में खाना बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, इट स्टार्ट्स टू रेन हैविली और सनलाइट जो है बहुत ज़्यादा हार्श है, तब यू कैन सिंपली ओपन दी ऑनिंग और जो उसका एंगल है दैट यू कैन ऑल्सो मेंटेन। तो कभी आपको लगता है नहीं वी वॉन्ट टोटल कवरेज, तो आप उसको बिल्कुल आगे की तरफ ले आइए। कभी आपको लगता है नो वी वॉन्ट इट अपराइट, तो आप उसको ऊपर भी रख सकते हैं। एंड नाउ वी आर ऑन दी को ड्राइवर साइड, तो हम मूव करने वाले हैं अंदर। आई एम अगेन गोइंग टू इंसर्ट एन ओवरले ऑफ द मोटराइज्ड स्टेयरकेस दैट वी हैव, बट विदाउट दैट लेट्स जस्ट मूव इन। सो अंदर हम आते हैं तो माई साउंड मस्ट हैव चेंज बिकॉज जो वाइब है हमारा दैट इज़ मच मोर वार्म कोजी, बट एट द सेम टाइम थोड़ा मिनिमलिस्टिक वाइब हमने इसका रखा है, मिनिमल लग्जरी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो इसमें आपको डिटेल्स दिखेंगे सारी पाउडर कोटेड हैं थ्रू ब्लैक, सो वो जो ब्लैक का वुड का डिज़ाइन का और बेज का कॉम्बिनेशन है दैट इज़ व्हाट्स मेकिंग दिस एसेट अ बिट मैस्कुलिन बट एट द सेम टाइम मेंटेनिंग इट्स लग्जरी। और इस एसेट का नेम आई डोंट नो इफ आई मेंशन और नॉट, एंड अगर आपने वीडियो देखा है हमारा जो ओरिजिनल वॉक थ्रू है विच इज़ इन इंग्लिश, तो उसमें हमने मेंशन किया है कि दिस एसेट इज़ नेम्ड रैमलर विच मीन्स अ वॉन्डरर और अ पर्सन हु लव्स टू ट्रैवल अक्रॉस द कंट्री और अ साइड ऑफ द कंट्री। सो आई वॉज अगेन टोल्ड बाई माई कैमरा पर्सन बिहाइंड द कैम हु सेड कि मैं हिंदी ब्लॉग बना रही हूँ बट मैं फिर से इंग्लिश में स्विच कर गई हूँ, तो सॉरी फॉर दैट। अभी फिलहाल टॉकिंग अबाउट द इंटीरियर, अंदर की अगर हम बात करें गाड़ी की, तो पहली डिटेल है हमारे पास स्मार्ट कैमरा, स्मार्ट म्यूजिक सिस्टम, स्पीकर्स हैं, उसके अलावा कुछ बेसिक जो एमिनिटीज़ है दीज आर बैटरी ऑपरेटेड लाइट्स सारी, LED की स्ट्रिप है ये, और हमारे पास मूड लाइट्स भी है। आई जस्ट टर्न ऑन वन। अंदर आप देखेंगे ये मूड लाइट्स है जिनका वाइब आप चेंज कर सकते हैं। Where is it? Yes. अब हमारा ये लाइट रेड हुआ, ग्रीन हुआ, ब्लू हुआ, सो आई कैन ऑल कंट्रोल इट थ्रू दिस रिमोट। एक और डिटेल आपको दिखाएंगे अभी क्विकली, बट कीपिंग दी स्टैंडर्ड डिटेल्स पे ही अगर हम रहते हैं, तो स्ट्रिप लाइट्स हो गई हमारी, एक्सेसरीज हो गई, बाकी जो AC का यूनिट है ये ऑटो AC का यूनिट है। ऑटो AC वो AC होता है जो कि आपकी गाड़ी के स्टार्ट होने पे चलता है, और जब आपकी गाड़ी रुकी होती है तो आपका स्टैटिक AC चलता है जो
अभी थोड़ी देर में हम लेफ्ट पे चलेंगे तब हम डिस्कवर करेंगे. बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये हमारा ऑटो एसी है, बाकी सारी हमारी एमिनिटीज़ है, मूड लाइट्स है काफ़ी सारी, जैसे ये लाइट हो गई एंड ऑल्सो दिस लाइट इज़ ऑल्सो फॉर द पर्पज ऑफ सेटिंग द मूड. सोफ़ा की अगर बात करें तो एक हमारे पास सोफ़ा है फुल साइज, और उसके अलावा हमारे पास एक सोफ़ा है जो हमारा बेसिकली दो रिक्लाइनर्स है. तो इफ़ आई सिट ऑन दीज रिक्लाइनर्स आई वॉन्ट टू चेंज द एंगल, आई वॉन्ट टू कम इन फ्रंट, पीछे जाना है, या फिर मुझे रिलैक्स करना है, आई कैन डू दैट ऑल सिटिंग हेयर. एंड आई कैन गिव यू द गारंटी कि ये सीट्स बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है. द फर्स्ट टाइम जब हम वॉक थ्रू के लिए ट्रैवल कर रहे थे, हम लोग बैठे इसमें, गाड़ी वॉज मूविंग लाइक एनी थिंग, बिल्कुल अनपेव रोड था, बट वी फेल सो कम्फर्टेबल कि सीट्स जो है बहुत ईजिली हक कर रही हैं. और ये सीट्स भी जो है ये मोटरम एडवेंचर्स के एच क्यू में बनी है, ये मेटल के फ्रेम पे बनी है, अनलाइक मार्केट वाली जो सीट्स होती है जो आप रेडिली अवेलेबल होती है उनको आप प्लेस कर देते हैं, वो बनी होती है वुडन के आपके फ्रेम पे, दिस इज़ ऑन अ मेटल फ्रेम. अगेन वी हैव थायरस, वी हैव रिक्लाइनर. उसके बाद अगर हम यहाँ मूव करें, ये है बेसिकली हमारा सोफ़ा कम बेड जो मैं अकेले नहीं खोलने वाली हूँ अभी, बट वी आर गोइंग टू इंसर्ट एंड ओवरले जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये बेड जो है खुलने के बाद कितना स्पेस इसमें मिलता है. अभी आई विल गिव यू एन अपडेट ऑन हमारा जो टूर है नेक्स्ट वीडियो में, बट ये या तो ये वीडियो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका होगा. बट अगर मैं सोफ़े की बात करूँ तो इस सोफ़े में आराम से आफ्टर यू मेक दिस इनटू अ बेड, जब आप इसको बेड में कन्वर्ट कर देते हैं, आप इसमें ईजिली दो बड़े और बच्चे जो हैं उनको सुला सकते हैं. उसके अलावा जो डिटेल हमारे पास यहाँ है, दिस इज़ आर पॉपअप टेबल, जस्ट लाइक दैट अगर आप बैठे हैं आपको कुछ भी सेटअप चाहिए, ग्लासेस आपके यहाँ हैं, प्लेट्स आपकी यहाँ आ सकती है. यहाँ अगर हम देखेंगे लाइट्स, दीज लाइट्स विच आर ब्रिलियंट, ओपनिंग आर लाइट्स बैक. और पीछे की तरफ अब हम मूव करेंगे, कैमरा पर्सन ज़रा अंदर आ जाइए पहले. हाँ, सो हियर जब हम मूव करते हैं ये आप देख सकते हैं कि एक फुल साइज सोफ़ा है जिसमें अगेन यू हैव स्लीपिंग अकोमोडेशन ऑफ वन एडल्ट. इस गाड़ी में टोटल जो हमारे पास सोने का अकोमोडेशन है वो है 5 से 6 लोगों के लिए, राइट. अब आप कहेंगे विदुषी 5 से 6 लोग इस सोफ़ा और इस सोफ़ा पे कैसे आ सकते हैं, तो जो दूसरा एमिनिटी है वो हम सबसे लास्ट में डिस्कवर करेंगे, बिकॉज हमें जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो सबसे लास्ट में रखने की आदत है. एंड अगर आपने हमारा इससे पहले का कंसेप्ट या इवन इस एसेट का ओरिजिनल वॉक थ्रू देखा है तो आपको पता है कि हम किस एमिनिटी की बात कर रहे हैं. नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट हॉप ऑन टू द रेयर. तो ये है हमारा पैंट्री सेक्शन, बाहर हमारा किचन है बेसिकली, तो फुली फंक्शनल किचन, बर्नर हो गया, सिंक हो गया, आपका स्टोरेज हो गया ग्रोसरीज़ का, वो सारी चीज़ें हमारी बाहर है. यहाँ पे हमारे पास है हमारा बार जिसका वाइब अगेन हम चेंज कर सकते हैं. माइक्रोवेव हो गया हमारा, ओपन स्टोरेज है, इन अदर ओपन स्टोरेज, ये क्लोज स्टोरेज है जिसमें अभी बहुत सामान भरा हुआ है बिकॉज हम 3-3.5 दिन के ट्रिप के बाद इस जगह पर रुके हुए हैं, तो सारी एमिनिटीज़ इसके अंदर है हमारी. ये है हमारा नीचे का स्टोरेज एरिया जो फिलहाल रैंडम चीज़ों से भरा हुआ है, यू नो, टॉयलेट रोल, कैसरोल, रोल एंड देन वी हैव बेड शीट्स एक्सेट्रा. ये है हमारा फ्रिज एरिया जिसको खोलने के लिए हमको पहले रिक्लाइनर्स आगे करने पड़ेंगे. सो ये बटन को प्रेस करेंगे. रिक्लाइनर आ गया हमारा आगे. फ्रिज को खोलते हैं. फ्रिज में अभी कुछ एमिनिटीज़ रखी हैं हमारी. तो ये फ्रिज है आपका फुली फंक्शनल, और ये साइज़ में इन कंपैरिजन टू जो हमारी बाकी गाड़ियाँ जैसे विलो में आपने देखा होगा उसके कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा साइज़ है इसका. मूविंग ऑन, ये है हमारा कैबिनेट. डीप स्टोरेज, इनफ स्टोरेज, यहाँ पे आपके जो सॉफ्ट बैग्स हैं वो ईजिली आ सकते हैं. ये वायर अभी निकल रही है, लेट्स सी वॉट इट इज़. और नीचे की तरफ ये जो छोटा डोर आपको दिख रहा है, ये डोर है बेसिकली अगर आप कभी जेंसेट को ऑन करते हैं और आप किसी आइसोलेटेड लोकेशन पे अंदर है, आपको बाहर जाने का मन नहीं है, मे बी बिकॉज बहुत ठंडी है, मे बी बिकॉज ऑफ एनी एक्स वाई जेड रीजंस, तो आप सिंपली इसको यहाँ से ओपन करिए, और ओपन करने के बाद जेंसेट को आप यहीं से बंद कर सकते हैं. सो दैट इज़ दैट. सो नेक्स्ट एरिया है हमारा बाथरूम. अंदर जब हम जाते हैं, अब अगर आप मोटरम एडवेंचर्स के सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता है कि बाथरूम ऑन व्हील्स हमारी यूएसपी है.
कैरावैंस में जो पर्टिकुलरली बाथरूम्स यूज किए जाते हैं, बहुत सारी गाड़ियों में हमने देखे हैं, दोज आर नॉट ऑप्टिमल. बट जो बाथरूम्स हम क्रिएट करते हैं ये कैरावैंस के लिए डेडिकेटेडली बनाए गए हैं, और इसके रिसर्च और डेवलपमेंट में ही हमें कम से कम 7 साल लगे हैं. तो वी नो वॉट्स गुड वेन इट कम्स टू बिल्डिंग बाथरूम ऑन व्हील्स. और ये जो पूरा सिस्टम आपको दिख रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द वॉल्स टू द बॉटम टू द टॉप, जो सीलिंग है हमारी, ये पूरी बनी है री इन्फोर्स फाइबर पॉलीमर्स में. अगर आपको इसके बारे में और कुछ भी जानकारी चाहिए, आप इधर कहीं पे स्क्रीन में वीडियो मेंशन होगा या डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मेंशन होगा और डिटेल्स मेंशन होगी, उस पर क्लिक कर सकते हैं. और ऐसा ही बाथरूम आपको अगर अपने एग्जिस्टिंग व्हीकल में चाहिए, चाहे वो कोई भी गाड़ी हो, प्रोवाइडेड कि उसमें स्पेस हो अंदर, तो वो सेम कॉन्फ़िगरेशन जो है, ये कॉन्फ़िगरेशन, बिलो का कॉन्फ़िगरेशन या कोई भी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बाथरूम आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाया जा सकता है आपकी गाड़ी में. और उसका डिटेल आप अगेन इन द डिस्क्रिप्शन फाइंड कर सकते हैं. स्पीकिंग ऑफ दिस बाथरूम, हमारे पास है यहाँ एक इमरजेंसी डोर. वी हैव reinforced फाइबर पॉलीमर से बना हुआ सिंक. जितनी भी डिटेल्स आप देखेंगे, अगेन ये सारी पाउडर कोटेड हैं ब्लैक कलर में टू मेंटेन दैट लुक. इवन यहाँ पे जो जेट स्प्रे है, जो टॉप है हमारा, जो ये एमिनिटी है, ये बेसिकली हमारा शावर है. तो ये सारी एमिनिटीज जो हैं पाउडर कोटेड है ब्लैक में. आप देखेंगे डोर का जो हैंडल है, और यहाँ आप देखेंगे जो रिम है, दैट इज ऑल्सो पाउडर कोटेड इन ब्लैक, अगेन कीपिंग द मैस्कुलिन मैजेस्टिक लुक ऑफ दिस कैरवन अलाइव. यहाँ हमारे पास है एक वैनिटी मिरर, एंड लेट्स नॉट फॉरगेट जो हमारा कमोड है, विच इज मेड अप ऑफ लाइक जो टेक्नोलॉजी इसमें यूज होती है वो है न्यूमैटिक एक्टिवेटिंग वॉल्व, जिसमें आप एक बटन प्रेस करेंगे. जो बटन हमारा यहाँ है, यहाँ हमारा बटन है, इसको आप प्रेस करेंगे तो प्रेस करने के साथ ही आपका जो वॉल्व है वो ओपन हो जाएगा. समथिंग सिमिलर जो आपने एयरप्लेन्स में देखा होगा, तो वो सेम टेक्नोलॉजी को हम ऑन व्हील्स यूज़ करते हैं यहाँ पे. और इसी टेक्नोलॉजी की वजह से जो आपका जो वाटर कंजम्पशन है, यूजुअली क्या होता है, आप घर वाला कमोड अगर इसमें लगा देंगे उसका जो कंजम्पशन है दैट इज़ अ लॉट. सो ये जो कमोड है बेसिकली इसकी स्पेशलिटी है कि बिकॉज ऑफ दैट न्यूमैटिक एक्टिवेटिंग वॉल्व आपका जो वाटर कंजम्पशन है वो काफ़ी कम हो जाता है पर फ्लश. एक बार आप इसको फ्लश करेंगे तो उसमें 30 ml से कम वाटर यूज़ होता है. वेराज अगर आप वो घर वाला जो कमोड है अगर वो गाड़ियों में प्लेस कर देते हैं, उसका वाटर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है. एंड टेक इट फ्रॉम अस, हम लोग जितनी भी बार कैरवानिंग में जाते हैं, कैरवान ट्रिप्स करते हैं, कैरवानिंग करते हैं, वाटर की बहुत बहुत ज़्यादा किल्लत रहती है बेसिकली. तो अगर आप वाटर को वाइजली यूज़ करेंगे तो दिस इज़ गोइंग टू लास्ट यू एटलीस्ट 3 days आई'ड से. मूविंग ऑन, जो हमारा फाइनल फीचर है, कैमरा पर्सन आपको पीछे जाना पड़ेगा वापस. सो अगेन कमिंग बैक टू द थिंग कि इस गाड़ी में 6 लोग आप कैसे सुलाने वाले हैं, तो हमारा जो फीचर है जो कि शाइलो में भी अवेलेबल है, विच इज़ अ रूफ ड्रॉप बेड. जी हाँ, जो ये रूफ आपको दिख रहा है जो बेज वुड और लाइट के कॉम्बिनेशन में है, ये पूरा जो रूफ है, आपकी सीलिंग जो है ये नीचे आ जाएगी विद अ प्रेस ऑफ अ बटन. यहाँ पे मैं बटन कर रही हूँ प्रेस, और ये मेरा बेड जो है नीचे आ रहा है. सो हमने एंगल चेंज किया है दोबारा आपको दिखाने के लिए. ये थोड़ा सा इंडेंट आपको नीचे आता हुआ दिख ही रहा होगा. वैसे ये है आपका रूफ ड्रॉप बेड. यहाँ मेरे पास बटन है, इसको मैंने प्रेस किया एंड बेड हमारा नीचे आना शुरू हो जाता है. इसमें आई विल इंसर्ट एन ओवरले टू गिव यू अ फुल फिगर कि ये बेड एक्चुअली दिखता कैसा है. और इसी बेड के ऊपर हमारा फाइनल फीचर है ऑफ रैमलर, जो इस कैरावैन को रैमलर वर्दी बनाता है. अगेन रैमलर का मीनिंग है एक ऐसा व्यक्ति जिसको घूमना पसंद हो, जो बहुत रोमांच प्रेमी हो, और उसके लिए ये फीचर हमने बनाया है. इस रूफ को भी, जो इसके ऊपर रूफ है, उसे भी आप ऊपर उठा सकते हैं. इमेजिन करिए आप किसी जंगल एरिया में है, और आप जैसे अभी हम कॉर्बेट में हैं, बेसिकली कॉर्बेट इज़ दी हब ऑफ टाइगर्स. तो अगर हमें एनिमल साइटिंग करनी है कुछ रात में, सेफ रह के बेड के ऊपर जाइए. ऊपर जो आपकी रूफ है, प्रेस ऑफ अ बटन, उसको खोलिए आप, और आपका जो पूरा रूफ है वो ऊपर हो जाएगा. बेड आपके पास है, आप आराम से वहाँ सो सकते हैं. अगर आपको नीडेड है तो आप एक मस्कीटो नेट, या फिर एक ट्रांसपेरेंट लेयर, या फिर एक फुल कैनवस, या फिर एक थर्मल लेयर प्रोटेक्शन जो है वो लगा सकते हैं. और ये कंक्लूड करता है हमारा एपिसोड ऑफ हिंदी वाला वॉक थ्रू द कन्वर्जन वाइल्ड व्लॉगिंग. अभी आने वाले काफ़ी सारे व्लॉग्स हैं, या फिर कुछ व्लॉग्स आप ऑलरेडी देख चुके होंगे ऑफ दिस लोकेशन. बेसिकली ये एक आइटनरी है जो हम रिलीज़ करने वाले हैं.
एक क्यूरेटेड आइटनरी। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं पहले, आपको पता है कि कुछ ऐसी आइटनरी जहाँ पे जगह जगह जाके जो हॉल्टिंग पॉइंट्स है उनसे लेके किस पर्सन से आप बात करेंगे, क्या क्या एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम क्यूरेट करते हैं। और ये एक नई आइटनरी है जो हम आपके सर्दियों के सीज़न के लिए लेके आने वाले हैं। सो स्टे कनेक्टेड। अगर आपको एक्सपीरियंस करना है वाइल्ड लाइफ, एक्सपीरियंस करना है एडवेंचर, एक्सपीरियंस करना है कैरावान इन इट्स फुल फ्लो, तो दिस आइटनरी इज़ डेफिनेटली फॉर यू। और उसी के साथ आई वुड अप्रिशिएट अगर आप ये वीडियो को लाइक करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया या आप कैरावान लाइफस्टाइल को और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, इट विल मीन ए लॉट टू अस। एंड अगेन, सारी वीडियोस जो इससे रिलेटेड है, रामलर से रिलेटेड है, आपके रामलर कहाँ हायर कर सकते हैं, कैसे हायर कर सकते हैं, या कोई और गाड़ी अगर आपको पसंद आती है आपके ट्रिप के लिए वो आप कैसे हायर कर सकते हैं, उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा। एंड दैट कंक्लूड्स हमारा आज का हिंदी वाला वॉक थ्रू। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बाय। मोटरहोम एडवेंचर्स साइनिंग ऑफ। ये है हमारा किचन। आई हैव टू आस्क फॉर द की जस्ट अ सेक। द एसेट यू नो, अ टॉयलेट रोल, कैसेरोल, रोल रोल। और ऐसा ही वीडियो आप